हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो आपको क्या बताने वाला, आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा। सो गाइस, जो आपने शुरुआत में जो वीडियो देखी, आप उस तरह की स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हो। यहाँ पे यार दोस्तों, बचपन का प्यार नाम का जो सॉन्ग है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, और उस टाइप की अगर वीडियो बना के आप इंस्टाग्राम रील्स वगैरह कहीं भी आप अपलोड कर देते हो तो व्यूज़ अच्छे खासे आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने उस टाइप की वीडियो कैसे बनानी है आज के वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। तो ज़्यादा बकवास ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे अपने का काइन मास्टर मिल जाएगा, इसको आपने डाउनलोड कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने अगर मेरे से काइन मास्टर चलाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, मेरे पे इंस्टाग्राम पे आना है और वहाँ पे मुझे फॉलो करके मेरे को मैसेज कर देना है, और वहाँ पे मैं काइन मास्टर का लिंक आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन आएगा, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, नाइन टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, नीचे आपने फिल कर देना है, ठीक है। और इसके रेशियो को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, यहाँ पे 3 कर देना है, ठीक है। हमें बाद में एडिट तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी फ़ोटोज़ आ चुकी है, तो यहाँ से आप कुछ फ़ोटोज़ को ले सकते हैं, जो भी आज फ़ोटो आप लगाना चाहते हो जितनी भी, तो आप ले लेना म्यूज़िक के अकॉर्डिंग। जितना बड़ा आपका म्यूज़िक है उतना यहाँ से आपने अपनी फ़ोटोज़ को ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ को ले लेना, लगभग 25, 27, 26 ऐसी फ़ोटो ले सकते हो। और तो यहाँ पे हमारा फ़ोटो भी आ चुकी है, एंड यहाँ पे हम ऑडियो पे क्लिक करेंगे, सॉन्ग भी आएंगे, और यहाँ से सॉन्ग को आपने डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यहाँ से मैं सॉन्ग को उठा लेता हूँ, तो हमारा सॉन्ग भी आ चुका है। आप दोस्तों यहाँ पे आपने करना है, यहाँ पे आपने इसको चला के देख लेना है कहाँ कहाँ पे बीट आ रही है, तो बीट के अकॉर्डिंग जो है आपने इसको एडजस्टमेंट कर लेना है, ठीक है। जैसे ये पहली बीट हमारी यहाँ पे आ रही है तो मैं इतना रहन दूँगा, और अगली बीट मेरी यहाँ पे आ रही है, आप चला के देख लेना। दोस्तों मैंने चला के पहले से देख रखा है इस टाइप से, जो है कर लेना है, ठीक है। अगला हमारा बीट यहाँ पे आ रही है, इस पर क्लिक करूँगा, ट्रिम कर दूँगा, ट्रिम राइट, ठीक है। इस टाइप से यहाँ से आपने कर लेना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, यहाँ से आना है ट्रिम राइट कर देना है, और यहाँ पे भी आना है, देखिए यहाँ बीट है, ट्रिम करना है, कैंची पे आना है, ट्रिम राइट कर देना है, ठीक है। और एक हमारी ये है, इस पर क्लिक करना है, कैंची पे आना है, ट्रिम राइट, ठीक है। तो यहाँ पे इतना मैंने कर लिया। देन यहाँ पे आपने थोड़ी थोड़ी दोनों फिंगर से जूम करना है, और यहाँ पे देखिए दो दो बीट दिख रही है, इन पे आपने जो है कैंची के अकॉर्डिंग जो है आपने इनको बीट के साथ मैच करना है फोटोज़ को। दो दो बीट आपको दिख रही होंगी, बिल्कुल ग्राफ ऊपर दिख रहा होगा, आपको समझ में आ ही रहा होगा आसानी से। तो इस टाइप से आपने यहाँ पे कर लेना है, जैसे मैं आपको कर ही रहा हूँ, क्लिक करना है, ट्रिम राइट करना है। तो इस तरीके से आपने सारी फ़ोटोज़ को जो है यहाँ से ट्रिम कर देना है, ठीक है। तो पूरा कर लेंगे, बिल्कुल ध्यान से करना है, कहीं बीट आगे पीछे होगी तो फिर मैच नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप से जैसे मैं आपको कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी टाइप से आपने करना है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है बनाना। अगर आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखते हो तो आपको समझ में आएगा, और आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर सकते हो, और मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने देख सकते हैं आप लोग, ग्राफ दिख रहा होगा आपको, तो लगभग यहाँ पे मेरा हो ही चुका है, यहाँ पे आपने सब कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने लगभग इतना कर दिया, देखिए मेरी फ़ोटो कम पड़ रही है, तो मैं फ़ोटो को ऐड करके यहाँ पूरा कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो को थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ को ले भी लिया, और यहाँ पे मैंने उसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया था वैसे मैंने कर भी लिया, ठीक है। तो वैसे आप भी कर लीजिएगा। एंड अब आपने इफेक्ट कौन सा ऐड करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस पर क्लिक करना है, पहले वाली फ़ोटो है, पहले वाली फ़ोटो पर जो बड़ी बड़ी फुल लेंथ है, इस पर मैंने कॉल भी दीजिएगा 1 इफेक्ट डाला, ठीक है। इसमें 1 पहले वाली में, दूसरे वाली में 2 कॉल में दीजिएगा, फिर इसमें 1, फिर इसमें 2, फिर इसमें 1, फिर इसमें 2, फिर इसमें 1। तो यहाँ पे ये बड़ी फ़ोटो ख़त्म हो चुकी है, अब ये छोटी फ़ोटोज़ हैं, इनमें मैंने कौन सा लगा रखा है इफेक्ट मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कौन सा मैंने लगा रखा है। देखिए ओवरऑल 4 का मैंने 10 वाला इफेक्ट लगा रखा है, ओवरऑल एनिमेशन का 4 वाला। तो आपने यहाँ पे इसको डाउन कैसे करना है मैं बताता हूँ। इस पर क्लिक करना है, मैंने आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे आप इसको ऊपर करेंगे, यहाँ पे आपको एनिमेशन का ऑप्शन मिल रहा है ये वाला, तो ऊपर यहाँ पे देखिए एनिमेशन, इस पर क्लिक कर देना आपने, और यहाँ पे आपको नीचे ओवरऑल 4 का ऑप्शन मिल जाता है ये वाला, देख सकते हैं आप लोग। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, डाउनलोड कर लेना है, मैंने कर रखा है। देन यहाँ पर आपने ओवरऑल 4 का 10 नंबर लगाना है, और इसमें भी मैंने ये वाला लगा रखा है ओवरऑल का 10, ठीक है। मतलब आधी फ़ोटो से मैंने ये लगा रखा है, यहाँ से जो ये वाली फ़ोटो है इनमें मैंने ओवरऑल 10 का, ओवरऑल 4 का 10 लगा रखा है। एंड यहाँ पे जो है ये जो फ़ोटोज़ हैं इनमें मैंने कुछ फ़ोटोज़ में मैंने लगा रखा है ओवरऑल का जो है 9 वाला भी, देखिए इसमें मैंने 10 लगा रखा है, और आगे मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें भी 10 है, और
ये देखिए इसमें 9 है, देखिए ओवरऑल 4 का 9 वाला, 9 10 मैंने मिक्स करके यहाँ पे लगा रखे हैं, आप भी लगा सकते हो या आप 1 बाई 1 का लगा सकते हो, जैसे कि पहले आपने ओवरऑल का 9 लगा दिया, ओवरऑल 4 का 9 लगा दिया, और बाद में आप ओवरऑल 4 का 10 भी लगा सकते हो, मतलब स्टेप बाय स्टेप करके लगा सकते हो, बाई वन करके। तो इस स्टेप से मैंने यहाँ पे फैक्ट लगा रखे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, आपको समझ में आइए होगा कैसे लगाने। तो इस स्टेप से चाहे तो आप लगा सकते हैं, इसके अलावा आप कोई और लगाओगे तो वो मैच नहीं आएगा, बीट से ढंग से मैच नहीं हो पाई, तो ये वाला आप लगा सकते हैं जैसे मैंने लगा रखे हैं, ठीक है। तो अब आपने करना है, लेयर पे आना है, देन मीडिया वाले ऑप्शन पे आना है, देन डाउनलोड पे आना है, और यहाँ पे मैंने ये जो इफेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे, इसको पूरा फिल कर देंगे, ठीक है। और इस पर क्लिक करके यहाँ से आपने करना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में आना है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपने स्क्रीन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, इस टाइप का लुक कुछ नज़र आएगा आपके सामने, और बाकी अपने लास्ट में आना है, देन लास्ट में आने के बाद इसको ट्रेन राइट करके डिलीट कर देना है पीछे से पूरा बराबर। अब मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाता हूँ, तो म्यूज़िक थोड़ा सा मेरा ऑफ़ रहेगा क्योंकि कॉपीराइट इशू है, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए चला के, तो यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं। हो रही है तो इस टाइप से आप यहाँ पे इस टाइप के स्टेटस वीडियो को क्रिएट कर सकते हो, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे कमेंट में बोल सकते हो, मैं आपका रिप्ले 100% दूंगा दोस्तों। और कोई आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ भी आप मुझे कमेंट वगैरह में कर सकते हो, मैं रिप्ले दे दूंगा, ठीक है। और दोस्तों ऐसे इंस्टाग्राम वगैरह पे कोई भी ट्रेंड चलता है और कुछ भी जैसे नई कोई वीडियो आती है, अगर आप चाहते हो कि उस पर आपको सबसे पहले वीडियो बना के दूँ, और आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले वीडियो बना के दूंगा, और आप भी सबसे पहले वीडियो बना के आप बना पाओगे उस तरह का ट्रेंड को। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है 6-7 मिनट की वीडियो बनाने के लिए, बहुत मेहनत लगती है, पीछे आप जानते नहीं हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब का मतलब ये नहीं कि आप सब्सक्राइब करके छोड़ दिया, वीडियो को दोस्तों डेली देखा कीजिए और डेली कमेंट किया कीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।